राजस्थान में 19 रियासत थी। कितनी रियासत थी? 19। तीन ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन उसके स्थान दो थे। राजस्थान के एकीकरण के दौरान राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी मारवाड़। सबसे पुरानी थी जिसका नाम था मेवाड़। सबसे छोटी शाहपुरा। सबसे नवीन झालावाड़। ठिकाने थे तीन। अंग्रेज गर्मी में रहते थे माउंट आबू में, और सर्दी में रहते थे अजमेर मेरवाड़ा में। ये दोनों प्रांत केंद्र के अधीन थे, अतः इसको बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। राजस्थान के एकीकरण के दौरान राजस्थान की सबसे बड़ी मारवाड़, सबसे पुरानी मेवाड़, सबसे छोटी शाहपुरा, सबसे नवीन झालावाड़। ठिकाने थे तीन, निमराना, अलवर, लावा, टोंक, कुशलगढ़, बांसवाड़ा। केंद्र शासित प्रदेश थे दो, एक का नाम था आबू, दूसरे का नाम था अजमेर मेरवाड़ा। ये शाहपुरा जयपुर वाला नहीं है, शाहपुरा भीलवाड़ा वाला है। अपने राजस्थान में एक जैसे नामों के बहुत सारे शहर हैं। तारागढ़ अजमेर में भी है, तारागढ़ बूंदी में भी है, बस्सी जयपुर में भी है, बस्सी चित्तौड़गढ़ में भी है, शेरगढ़ बारा में भी है, शेरगढ़ जोधपुर में भी है, शेरगढ़ धौलपुर में भी है। अपने राजस्थान में एक जैसे नामों के बहुत सारे शहर हैं, बहुत सारे मंदिर भी हैं। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में भी है, करणी माता का मंदिर उदयपुर में भी है, और करणी माता का मंदिर अलवर में भी है। अपने राजस्थान में एक जैसे नामों के बहुत सारे राजा भी हुए हैं, तो रटना नहीं है, समझना है। राजस्थान के एकीकरण के दौरान राजस्थान की सबसे बड़ी मारवाड़, सबसे पुरानी मेवाड़, सबसे छोटी शाहपुरा, सबसे नवीन झालावाड़। ठिकाने थे तीन, निमराना, अलवर, लावा, टोंक, कुशलगढ़, बांसवाड़ा। केंद्र शासित प्रदेश दो, एक का नाम आबू, दूसरे का नाम अजमेर मेरवाड़ा। जहां राजा रहते थे उसको बोलते थे रियासत। जहां ठाकुर रहता था उसको बोलते थे ठिकाना, और जो अंग्रेजों का अधीन प्रांत था वो था केंद्र शासित प्रदेश। राजस्थान के एकीकरण के दौरान राजस्थान की सबसे बड़ी मजा ही नहीं आया सबसे बड़ी सबसे पुरानी सबसे छोटी सबसे नवीन ठिकाने निमराना लावा कुशलगढ़ केंद्र शासित प्रदेश एक का नाम आबू दूसरे का नाम अजमेर। प्यारे बच्चों बिना देखे बोलना, राजस्थान के एकीकरण के दौरान राजस्थान की सबसे बड़ी सबसे पुरानी सबसे छोटी सबसे नवीन ठिकाने निमराना लावा कुशलगढ़ केंद्र शासित प्रदेश एक का नाम दूसरे का नाम अजमेर। राजस्थान का एकीकरण सात चरणों में हुआ। राजस्थान का एकीकरण कुल कितने चरणों में हुआ? सात। सोचना बिल्कुल भी नहीं है। पहले चरण में ही एबीसीडी को भूलोगे तो नहीं ना? पहले में कौन आई? एबीसीडी। दूसरे में आई बाबू झाड़ू कीको बरसाटो। पहले में आई एबीसीडी, दूसरे में आई बाबू झाड़ू कीको बरसाटो। इसमें मिला उदयपुर, और ये उदयपुर मिलते ही बन गया तीसरा। इस तीसरे मिली जेजेबी, और जेजेबी मिलते ही बन गया चौथा। पहले में आई एबीसीडी, दूसरे में आई बाबू झाड़ू कीको बरसाटो, इसमें मिला उदयपुर, बन गया तीसरा।
तीसरे मिली जेजेबी बन गया चौथा। इस चौथे में ऊपर से आकर मिला पहला और ये मिलते बन गया पांचवा। चौथे में आकर मिला पहला बन गया पांचवा। इस पांचवे में आकर मिली सिरोही और ये मिलते बन गया चट्ठा। चट्ठे मिले अजमेर मेरवाड़ा आबू और सुनेल टप्पा और ये मिलते बन गया सातवा। पहले में आई एबीसीडी, दूसरे में आई बाबू झाड़ू कीको बरसाटो, इसमें मिला उदयपुर बन गया तीसरा, तीसरे मिली जेजीबी बन गया चौथा, चौथे मिला पहला बन गया पांचवा, पांचवे मिली सिरोही बन गया चट्ठा, चट्ठे मिले अजमेर मेरवाड़ा आबू सुनेल टप्पा बन गया सातवा। मैं इसके एक बार फुल फॉर्म बोलूंगा, तीन बार गौर से सुनना। अलवर भरतपुर करौली धौलपुर बांसवाड़ा बूंदी झालावाड़ डूंगरपुर किशनगढ़ कोटा प्रतापगढ़ सापरा टोंक उदयपुर जयपुर जोधपुर जैसलमेर बीकानेर सिरोही। तीसरी बार बोल रहा हूं, अलवर भरतपुर करौली धौलपुर बांसवाड़ा बूंदी झालावाड़ डूंगरपुर किशनगढ़ कोटा प्रतापगढ़ सापरा टोंक उदयपुर जयपुर जोधपुर जैसलमेर बीकानेर सिरोही। चलो अंतिम बार बोलता हूँ, अलवर भरतपुर करौली धौलपुर बांसवाड़ा बूंदी झालावाड़ डूंगरपुर किशनगढ़ कोटा प्रतापगढ़ सापरा टोंक उदयपुर जयपुर जोधपुर जैसलमेर बीकानेर सिरोही। फुल फॉर्म कर लोगे ना? कौन है? कौन है? प्यारे बच्चों, अब की बार आरएएस में आया था क्वेश्चन कि राजस्थान के द्वितीय चरण में कौन सी रियासत का विलय नहीं हुआ। तो द्वितीय चरण में नौ रियासत थी, ये नौ की नौ याद करनी पड़ेंगी। लेकिन अब की बार तुमसे पूछा जाएगा कि राजस्थान के एकीकरण के दौरान कौन सी रियासत नहीं थी, कौन सी रियासत नहीं थी। अब नहीं वाले क्वेश्चन को करने के लिए याद करना पड़ेगा कि थी कितनी, तो कितनी थी आज याद हो गई, काउंटिंग करो। नंबर एक, नंबर एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस। उन्नीस की उन्नीस याद होगी ना। प्यारे बच्चों, परीक्षा में इसकी राजधानी भी आती है। तो ये गोला बोल रहा मैं राजधानी हूं, ये गोला बोल रहा मैं कौन हूं? राजधानी। पहले की राजधानी अलवर, पहले की राजधानी अलवर, दूसरे की कोटा, तीसरे की उदयपुर, चौथे की जयपुर, पांचवे की जयपुर, छठे की जयपुर, सातवें की जयपुर और आज की भी जयपुर। ये गोला बोल रहा मैं राजधानी हूं। तो पहले की राजधानी, पहले की अलवर, दूसरे की कोटा, तीसरे की जयपुर, चौथे की जयपुर, आज की जयपुर। प्यारे बच्चों, परीक्षा में इसके उद्घाटनकर्ता भी आते हैं। उद्घाटनकर्ता याद करोगे, गॉडगिल गॉडगिल चाचा पटेल। प्यार से याद करोगे, गॉडगिल गॉडगिल चाचा पटेल। कैसे बोलोगे? गॉडगिल गॉडगिल चाचा पटेल। पटेल की फुल फॉर्म सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जवाहरलाल नेहरू, एनवी गॉडगिल, एनवी गॉडगिल। दोबारा बोलो, सरदार वल्लभ भाई जवाहरलाल नेहरू, एनवी, एनवी। प्यार से याद करोगे, गॉडगिल गॉडगिल चाचा पटेल। प्यारे बच्चों, परीक्षा में इसके पीएम भी आते हैं। पीएम का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री बड़े प्यार से याद करोगे, कुमावत असावा वर्मा शास्त्री। कैसे बोलोगे? कुमावत असावा वर्मा शास्त्री, कुमावत असावा वर्मा शास्त्री। हीरालाल शास्त्री, माणिकलाल वर्मा, गोकुलाल असावा, शोभाराम कुमावत। दोबारा बोलो, हीरालाल शास्त्री, माणिकलाल वर्मा, गोकुलाल असावा, शोभाराम कुमावत।
प्यारे बच्चों, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ, अतः हमें इसके नाम भी कितने याद करने पड़ेंगे? 7। नाम कितने याद करने पड़ेंगे? 7। हमें 7ों ही नाम याद रखने हैं। पहले गौर से देखना है, पहले का नाम है मत्स्य, दूसरे का पूर्व है, तीसरे का संयुक्त, चौथे का व्रत, पांचवे का संयुक्त व्रत, छठे का संग और सातवें का राजस्थान। पहले गौर से सुनना, पहले का नाम मत्स्य, दूसरे का पूर्व, तीसरे का संयुक्त, चौथे का व्रत, पांचवे का संयुक्त व्रत, छठे का संग, सातवें का राजस्थान। पहले का नाम मत्स्य, दूसरे का पूर्व, तीसरे का संयुक्त, चौथे का व्रत, पांचवे का संयुक्त, छठे का संग, सातवें का राजस्थान। प्यारे बच्चों, राजस्थान का एकीकरण कुल 7 चरणों में हुआ था, अतः इसकी तारीख और सन भी कितनी याद करनी पड़ेगी? 7। बहुत बार परीक्षा में क्वेश्चन आया है कि राजस्थान का पूर्ण एकीकरण कब हुआ, तो आप क्या बताओगे? 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 देश में संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 में अपने राजस्थान का एकीकरण कौन सा चरण हुआ था? छठा। मैं पहले चौथा पे लिख रहा हूं, चौथा सारे बच्चों को बता कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च। कब से मनाया जा रहा है? 1949। 20 में अपन ने पांचवा छोड़ दिया, इस 30 का आधा होता है 15। 30 का आधा होता है 15। एकीकरण का चरण है पांचवा, आता महीना भी है पांचवा, पांचवे महीने को अंग्रेजी में बोलते हैं मई। 15 मई 1949 को राजस्थान में होता पांचवा चरण। इन तीनों की सन एक साथ याद रखनी है। 18 25 18 18 25 18 1948, इन तीनों की सन कितनी है? 1948। 18 मार्च 1948, 25 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948। ये राजस्थान का एकीकरण के एक इंडेक्स है और इसे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो सारे बच्चे कमर सीधी करो, मैं याद करवाता हूँ, अपने क्लास की क्लास में याद करना है। छोटे छोटे बच्चों की तरह मेरे साथ बोलना है, क्योंकि बोलने से क्या पैदा होता है? कॉन्फिडेंस। 3 सन 48 2 49 1 50 1 56 3 सन 48 2 1 50 1 56 बिना देखे बोलो, 3 सन 48 2 1 50 1 56 तारीख बोलूंगा, गौर से सुनना। पहले की 18, दूसरे की 25, तीसरे की 18, चौथे की 30, पांचवे की 15, छठे की 26, सातवें की 1। पहले की, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, पांचवे की, छठे की, सातवें की। प्यारे बच्चों बिना देखे बोलो, पहले की, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, पांचवे की, छठे की, सातवें की। फटाफट मेरे साथ रिवीजन करना। पहले में कौन आई? ए बी सी डी। कौन आई? ए बी सी डी। दूसरे में, इसमें कौन मिला? कौन सा बना? तीसरे में कौन मिली? कौन सा बना? चौथे में ऊपर से अगर कौन सा मिला? पहला। कौन सा बन गया? पांचवे में कौन मिली? कौन सा बना? छठे में कौन मिले? अजमेर, मेरवाड़ा, आबू, सुनील टप्पा। कौन सा बन गए? 7। प्यारे बच्चों, ये गोला बोल रहा, मैं राजधानी हूँ। पहले की राजधानी, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, आज की। बिना देखे बोलो, पहले की राजधानी, पहले की, दूसरे की, तीसरे की, पूर्व, तीसरे का संयुक्त, चौथे का व्रत, पांचवे का संयुक्त व्रत, छठे का संग, सातवें का राजस्थान। पहले का नाम, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का, छठे का, सातवें का। बिना देखे बोलो, पहले का नाम, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का, छठे का, सातवें का। सारे बच्चे खड़े हो जाओ। खड़े होकर बोलने से भी विद्यार्थी का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब बिना देखे बोलना है इसको। राजस्थान के एकीकरण के दौरान राजस्थान की सबसे बड़ी, सबसे पुरानी,
सबसे छोटी सबसे नवीन ठिकाने निमराना लावाट कुशलगढ़ केंद्र शासित प्रदेश एक का नाम दूसरे का नाम अजमेर।